बुधवार को विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में राजधानी भोपाल में अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी कड़ी में देवेंद्र तोमर आदिवासी के द्वारा राजधानी भोपाल में भव्य रैली निकाली गई। इस रैली में आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिली, जहां आदिवासी युवक और युवतियां अपने पारंपरिक परिधानों में संस्कृति की झलक बिखेरती नजर आई। यह कार्यक्रम विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदू टाइगर फोर्स द्वारा निकाली गई थी। मेरा नाम देवेंद्र तोमर है, देवेंद्र तोमर आदिवासी और मैं हिंदू टाइगर फोर्स का प्रदेश अध्यक्ष हूं। तो आदिवासी दिवस पूरे भारत वर्ष में ही मनाया जा रहा है, पर भोपाल में भी हमें ना पिछले 4 साल से आयोजन कर रहे हैं, ताकि आदिवासी समाज जो बिखरा हुआ है, जो संगठनों में बटा हुआ है, जो पार्टियों में बटा हुआ है, जो जाति में बटा हुआ है, उसको हम एक कर सकें और आगे आदिवासी समाज का एक संगठन मजबूत कर सकें। ये रैली इसलिए निकाली गई है, वैसे तो आदिवासी समाज पर काफ़ी अत्याचार हो रहा है, अभी आप देख भी रहे हैं, चाहे नेमावर की घटना को ले लें आप, चाहे अभी मणिपुर की घटना को ले लें, चाहे इंदौर की घटना को ले लें, उन सभी घटनाओं से काफ़ी क्या आदिवासी समाज की भावना को आहत हुआ है। तो हमने इससे पहले कैंडल मार्च भी निकाला था, इसके माध्यम से जो आदिवासी समाज जो बिखर गया था उसको वापस एकजुट करने के लिए हमने रैली का आयोजन किया।